हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सारा मैं एक साथ बोल दिया क्योंकि आप चूज़ कर सकते हो, जब भी वीडियो देखोगे कुछ ना कुछ मैच करेगा। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग कुछ नए फार्मूले भी सीखेंगे। तो पहले काम करते हैं, कुछ नए फार्मूले सीख लेते हैं। उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हैव ए लुक। हम लोगों ने ये अभी करना है, लेकिन पहले कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ऐसा कुछ। ठीक है, इस एंगल सी के लिए दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, है ना, एंगल सी के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। और एच को इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, पी इज इक्वल टू एच साइन सी, ऐसे लिख सकते हैं। चलो बढ़िया, अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस सी। कॉस सी क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मुझे क्या मिलेगा, एच कॉस सी। ठीक है, बढ़िया, ये तो हम लोगों ने जानते ही हैं, इसमें नया क्या है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। अब नया अब आएगा, आप पाइथागोरस लगाओ इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये लगाएंगे। पी की जगह क्या लिखेंगे, एच साइन सी, और बेस की जगह क्या लिखेंगे, एच कॉस ऑफ सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एच स्क्वायर। यहां से आप एच स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट मीन्स ये दोनों तो कट गए, आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू वन। हो गया, एक फार्मूला आ गया बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो एक फार्मूला हम लोगों ने सीखा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू वन, ये तो सी एंगल के लिए है ना। आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी निकालोगे तो यही आएगा, चाहो तो चेक कर लो। यानी कि अगर हम लोग जनरल तरीके से बात करें, जनरल बातें मतलब जो सब जगह लागू होता हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। थीटा कैन बी एनी एंगल, ठीक है, दोनों में एंगल ना सेम होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन तो वो वैलिड नहीं है बच्चों, दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप लिख लो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन। तो कॉस और कॉस तो कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस तो हमें मालूम है टैन होता है, स्क्वायर है तो ये मेरे को मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन। और वन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, याद है, सोच के देखो, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। हो गया, दूसरा फार्मूला मिल गया। ठीक है, वन एंड टू, अब तीसरे की बारी है। ठीक है, तीसरे की बारी है, तीसरे में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बोथ साइड्स बाई साइन स्क्वायर थीटा कर दो। इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसी में आप करो डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। LHS और RHS में डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा,
तो कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये कट के वन मिल गया, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा होता है और वन अपॉन साइन याद है बच्चों क्या होता था, वन अपॉन साइन कॉसेक होता था। तो ये आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले आपको तैयार हो गए, इन तीनों को आप लोग याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन सबों का। तो बच्चों कृपया करके याद कर लें तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बढ़िया हो गया। हो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को हमें कॉट ए में डालना है, कैसे करेंगे? देखो आपके पास तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसे मैं थोड़ा इधर डाल देता हूँ, ये बीच में आ गया कहीं पे। वन प्लस कॉट स्क्वायर है ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलो इन तीनों फॉर्मूलों को याद करो एंड दिमाग पे जोर डालो कि साइन और कॉट को रिलेट करने वाला इन तीन में से कौन है। करो सोचो। साइन और कॉट को इसमें से रिलेट करने वाला कौन है? कॉट, देखो कॉट तो ये है और ये साइन का रेसिप्रोकल ही तो है, तो इस फॉर्मूले को आप चूज करो। यहाँ लिखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन एक मिल गया मुझे, ठीक है ना, हो तो गया। साइन ए और कॉट ए का रिलेशनशिप यही है, इसको आप यहाँ छोड़ सकते हो। दूसरा है सेक और कॉट, सेक तो यहाँ पर है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो टैन को मैं लिख लूंगा वन अपॉन कॉट प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन तो ये मिल गया मुझे। दूसरा है टैन और कॉट, तो टैन और कॉट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होते हैं ना, टैन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको आप सेक ए के टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर टू, सेक साइन को सेक के टर्म में कैसे लिखेंगे, आप फॉर्मूला वन को पकड़ लो फिर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। कॉस को मैं क्या लिखूंगा, वन अपॉन सेक, तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, दिस वन। ये हो गया, साइन को हम लोगों ने सेक के टर्म में लिख लिया। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, हो गया, ठीक है। कॉस, कॉस ए होता है वन अपॉन सेक ए। अब टैन और सेक का रिलेशन क्या, ये है टैन और सेक का रिलेशन, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिख दो आप, कॉसेक और सेक का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। कॉसेक को भी मुझे सेक से रिलेट करना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम लोग या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक ए, साइन को हम लोगों ने लिख लिया सेक के टर्म में, कॉस को लिख लिया, टैन को भी लिख लिया सेक के टर्म में, अब हमें कॉट को लिखना है सेक के टर्म में। कॉट को कैसे लिखें सेक के टर्म में,
तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को आप सेक में कन्वर्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इधर क्या है कॉट, इधर क्या है सेक, तो आपने कॉट और सेक को रिलेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ वन अपॉन कॉट बना देते, ये रिलेशन आ जाता। ठीक है, चलो ये तो बोरियत वाली क्वेश्चन है, थर्ड ट्राई करके देखते हैं। थर्ड वाला सोचो आप लोग, थर्ड वाला हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 में, क्योंकि यहाँ वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। इन दोनों को ऐड करो 90, इन दोनों को ऐड करो 90। ठीक है ना, ट्राई करो, ट्राई करो, कमान, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इन दोनों का सम 90 है, तो आप इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 के टर्म में लिखो। थर्ड का फर्स्ट कर रहा हूं मैं, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है ना, 90 माइनस 27 63 होता है ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 63 को लिखा है 90 माइनस 27 और कुछ नहीं किया। नीचे भी ऐसा ही करेंगे आप, किसी दो एंगल है ना 17 डिग्री एंड 73 डिग्री, आप दोनों में से किसी एक को लिखो 90 डिग्री के टर्म में। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 73 है ना, 17 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा स्क्वायर तो रहेगा ही अपनी जगह, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 हो गया एंड कॉस स्क्वायर 73। अब देखो कौन सा फॉर्मूला है अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, 1 2 3, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। एंगल यहाँ कुछ भी रहे हमें मतलब ही नहीं है, एंगल बस दोनों इक्वल होने चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो नेवर माइंड। दिस इज 1, यहाँ भी सेम फार्मूला, दिस इज 1, तो ये टोटल 1 मिल गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला मुझे मिल गया 1, वेरी इजी। दूसरा पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 2। यहाँ भी वही काम करना है आपको, ध्यान से आप देखो यहाँ क्या है, 25 65 90 25 65 90, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले मिल गए हमारे को, साइन 25 कॉस 25, तो 25 को दोनों में से किसी एक को आप 90 के टर्म में लिख लो, साइन ये मिलेगा साइन 90 माइनस ऑफ 65 ये है कॉस 65 प्लस कॉस को लिख लो 90 माइनस 65। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एंगल को चेंज करो 90 के टर्म में, आप दूसरे एंगल को भी चेंज कर सकते हो 90 के टर्म में, आइदर ऑफ द टू, दोनों को चेंज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे दोनों को चेंज कर देते हैं, उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, दिस इज नॉट द वे टू डू। साइन 90 माइनस 65 क्या मिल जाएगा, कॉस 65, यहाँ पे पहले से ही cos 65 है, एक cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पहले से भी एक sin थीटा है, तो आपको क्या मिल गया, cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 हो गया ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। बड़ा लॉलीपॉप है, प्लीज मेक ए नोट। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री हजम करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि भैया क्या आ गया, नया नया चीज़ है, लेकिन स्टडी स्लोली एंड स्टडी करो और ध्यान से कैलकुलेशंस को करो,
कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसी पे एक बात याद आता है मुझे, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये मैथ्स की बेचैनी तो सिर्फ बालक समझता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ कि आप बेचैन हो रहे हो, लेकिन धीरे 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 आपको सीख जाओगे, सब कुछ आ जाएगा आपको, फिर बोलोगे अरे यार ये क्या है, तो बहुत इजी है। फोर्थ का पार्ट वन, 9 sec² a - 9 tan² a, क्या लिखेंगे? फोर्थ का पार्ट वन, 9 आप कॉमन ले लो, sec² a - tan² a, ये मुझे क्या देगा? चार ऑप्शन है, 1980, ठीक है ना। क्या किया जाए, हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी, 1 tan² θ = sec² θ, तो 1 = क्या मिलेगा? sec² θ - tan² θ, तो sec² θ - tan² θ मुझे 1 मिलेगा, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। दैट मीन्स 9 × 1 = 9, नायक, तो 9 आ गया है, ये 9 आ गया, है ना इजी, बहुत ही इजी है, घबराने का नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। फोर्थ का पार्ट टू करते हैं, फोर्थ पार्ट टू, 1 tan θ + sec θ × 1 cot θ - cosec θ, 1 tan θ + sec θ, 1 cot θ - cosec θ। जब इतना कुछ लंबा चौड़ा आपको दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? आपको बेसिक इक्वेशंस की ओर देखना चाहिए। देखो बेसिक्स ही है जो हमारे को हेल्प करेगा जब कहीं भी फंसेंगे तो, ठीक है ना। इससे लाइफ में बेसिक्स को नहीं छोड़नी चाहिए। जब सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है तो वापस नेट्स पे आते हैं और बेसिक्स पे काम करते थे वो, है ना, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा था और रियल लाइफ उनका सब देखा भी गया है। तो बहुत बड़े बड़े लोग जो अगर कहीं पे दुखी होते हैं या फेल होते हैं किसी काम में तो बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाते हैं कि बेसिक्स को फिर से सीखना है तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो बेसिक्स क्या कहता है, टैन थीटा कहाँ से आया? sin θ / cos θ से आया, यही बेसिक है इसका। सेक थीटा कहाँ से आता है? 1 cos θ, यही इसका बेसिक है। cot cos θ / sin θ, 1 sin θ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? cos थीटा ना, यहाँ जाएगा cos θ + sin θ + 1, यहाँ क्या मिलेगा? sin θ + cos θ - 1 sin θ, दिस वन, है ना। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों का आप करें क्या, हमारे को सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए, है ना, ये इसका 0, 1, 2, -1, यहाँ तो cos 10 कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? कुछ फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे 8th-9th में, बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं। इसको आप एक साथ लेके चलो, क्योंकि cos θ + sin θ इधर भी है, cos θ + sin θ इधर भी है, है ना, एक साथ मान लो तो हो जाएगा पूरा का पूरा एक क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को थोड़ा हटा देता हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए लिखने का। cos θ + sin θ क्या हो गया, इसको नाम दे दो कि ए, सपोज ए नाम दे दिया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा? a + 1 upon cos θ, इधर क्या मिलेगा? a - 1 upon sin θ, ठीक है ना। इसको नोट करो, मैं आगे बता रहा हूँ। तो अब हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, a + b × a - b, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा, ठीक है ना, यही तो मिला। अब a को वापस लिख देते हैं जो हमने एज्यूम किया था। a मेरे पास है sin θ
प्लस कॉस थीटा। बाय बेटा। बेटा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है, यहाँ पे डाल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है बच्चों, तो इस पूरे इसकी जगह मैं वन लिख दूंगा, तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन होल डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। प्लस वन माइनस वन तो गया खत्म, जीरो। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा इधर से, इसको भी हटा दूंगा इधर से। बचा क्या मेरे पास, क्या बचा, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये पूरा कट तो गया, मेरे पास सिर्फ टू बचेगा, मेरे पास सिर्फ टू बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी वाला पोर्शन आ गया बच्चों, दिस इज टू। बढ़िया है। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला भी ऐसे ही है बच्चों, बिल्कुल बेसिक वाला करेंगे। ट्राई ट्राई एंड ट्राई। थर्ड वाला ट्राई ट्राई एंड ट्राई करो। थर्ड वाला ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। सेक ए प्लस टैन ए इंटू वन माइनस साइन ए, है ना। थर्ड वाला सेक का बेसिक फॉर्म क्या होता है, वन बाय कॉस। टैन का बेसिक फॉर्म क्या होता है, साइन बाय कॉस। ठीक है ना। तो ये मुझे मिल जाएगा वन प्लस ऑफ साइन ए। वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, ये मिल जाएगा वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। वन माइनस साइन स्क्वायर तुम्हें मालूम है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग कॉस ए, कॉस ए मुझे मिल गया, हो गया डी ऑप्शन। बढ़िया है ना बच्चों। अब क्या करें, फोर्थ करेंगे और क्या करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला तो और भी इजी है, सबसे ज़्यादा इजी फोर्थ वाला ही है। वन प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो टैन और कॉट में तो आपस में ही रिलेशन है, आप चाहो तो यहाँ कॉट को लिख सकते हो वन अपॉन टैन स्क्वायर ए, या फिर नहीं तो आप टैन को भी लिख सकते हो वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, फर्क नहीं पड़ता। वन प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये टैन ऊपर चला जाएगा, टैन स्क्वायर ए वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ये तो पूरा कट गया, बचा क्या, सिर्फ टैन स्क्वायर ए ही तो बचा। ठीक है ना, तो डी आंसर आ गया। देखो इसको बोलते हैं क्या, लॉलीपॉप। इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, बिंदास मैथ्स की पढ़ाई करने का। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, दिस पार्ट वन एंड पार्ट टू। प्लीज प्लीज लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। इसमें बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, वापस वही काम करेंगे, कॉसेक और कॉट का बिल्कुल बेसिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, वापस वही काम। कॉसेक क्या होता है, वन बाय साइन होता है। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है होल स्क्वायर।
दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हुआ। इसको फर्दर ब्रेक कर दो आप, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग स्क्वायरिंग किया हुआ है हम लोगों ने। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस, देखो यहाँ पे साइन तो चाहिए नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, कैसे आएगा नीचे में 1 प्लस कॉस, फॉर्मूला याद करो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद करो, तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगा सकते हैं, 1 को तो 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ईजी है, तो बाकी क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, बच गया वही जो हमें चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, दैट्स इट, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना, बढ़िया है। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट, ये सारा का सारा बेसिक फॉर्म में है, यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लेना है आपको और कुछ नहीं करना। एलसीएम कैसे लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू 1 प्लस ऑफ साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए, कॉस है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, 1 प्लस साइन, मुझे लगता है ये शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पे कुछ लाना ही नहीं है, यानी कि कटने वाले टर्म है, ये कटने वाले टर्म है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस ऑफ साइन ए। न्यूमरेटर में आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ऑफ साइन ए, ठीक है, 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 को हटा लिया तो सिर्फ साइन ए ही तो बचेगा, टू अपॉन कॉस ए, अब कॉस ए है ना, 1 अपॉन कॉस ए तो सेक होता है, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया 2 sec a, 2 sec a इज द आंसर टू बी प्रूव्ड, प्रूव हो चुका, बढ़िया है ना। हो अभी और भी है, थर्ड पार्ट, हिंट भी दिया हुआ है, राइट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस, वो तो हमें करना ही है, क्योंकि बेसिक फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तभी कॉस और sec और cosec तभी आएगा, ट्राई करके देखो बच्चों एक बार प्लीज। कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, थर्ड क्वेश्चन, टैन, टैन को आप लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल आराम से बेसिक फॉर्म, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट तो होता ही है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टैन होता है, यह एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मिला,
अब इस साइन को आप ऊपर ले जाओ, ये कॉस भी ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, कोई भी रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक। माइनस वन का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों में माइनस का ही तो डिफरेंस है, तो आप एक काम करो कॉमन ले लो, इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, कॉमन क्या लेंगे वो देखना है आपको, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। हो और छोटा करना पड़ेगा, अभी तक तो आया ही नहीं है, और छोटा कर लेते हैं, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, इन सबों को हटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगाने को बहुत ज़रूरत है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना, ए क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, हाँ यही होता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले बढ़िया है, तो वन अपॉन साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिला डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, बढ़िया है। ये दोनों कट गया, यहाँ पे देखो आपको मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स वन हो गया, वो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, बढ़िया है। तो ये पूरा कट गया, वन हो गया, मेरे पास क्या बचा, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन, ये बचा, ठीक है, आ तो गया, यही मुझे चाहिए था बेसिकली, मेरे पास जो है वन अपॉन साइन यानी कि कॉसेक हो गया, वन अपॉन कॉस यानी कि सेक थीटा हो गया, यही मुझे चाहिए था बच्चों, तो आ गया। तो इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ी, अगर नया है तो लिख लो, पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पोर्शन करते हैं, फोर्थ वाला कर लेते हैं, फोर्थ एलएचएस को आरएचएस में लाना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है आपको सेक को, तो सेक को हमको मालूम है क्या लिखना है, बेसिक फॉर्म यानी कि कॉस, वन प्लस वन बाय कॉस ए, वन बाय कॉस ए, ये क्या होगा, कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, बस वेरी सिंपल है, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है, तो ये कॉस ए कट, बहुत अच्छी बात है। तो बचा क्या मेरे पास, वन प्लस कॉस ए
अपॉन वन, यही तो बचा है ना। वन को क्या लिख सकते हैं, वन को तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस ए, देखो वन माइनस कॉस ए मुझे चाहिए, तो एक काम करते हैं वन माइनस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को, मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस कॉस ए, ठीक है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया मुझे, नीचे वन माइनस कॉस ए मिल गया, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सिंपल, वन माइनस कॉस स्क्वायर इज वेरी सिंपल, दैट मीन साइन स्क्वायर ए, ये मेरे को मिल गया साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, यही तो मुझे लाना था। यहाँ हिंट में दिया हुआ है कि एल एच एस आर एच एस का सेपरेटली कर लो, वैसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है कभी कभी एक क्वेश्चन को करने के दो या दो से ज़्यादा तरीके हो, प्लीज मेक ए नोट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा नंबर है ये। ओ यूजिंग द आइडेंटिटी दे रखा है इसने, चलो ठीक है भैया कर लेते हैं, ठीक है। क्या किया जाए, वन को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, देखो हमें लाना क्या है, कॉसेक और कॉट लाना है, कॉसेक और कॉट आएगा कैसे इसके बारे में सोचना है। हमें बोला गया है कि आइडेंटिटी लगाओ आप, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो आर एच एस में कहीं भी वन नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं पार्ट फाइव में, पार्ट फाइव में हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना है बाय सॉल्विंग दिस एल एच एस, तो करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देख लो यहाँ पे वन आपको नहीं चाहिए, तो आप लोग रैशनलाइज वाला प्रोसेस जो आप लोगों ने किया होगा क्लास नाइन्थ में रैशनलाइजेशन, उसी को यहाँ पे रिपीट करेंगे हम लोग। आप लिखोगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक सिंगल आइडेंटिटी मान लो, और इसका साइन, जब रैशनलाइज में क्या करते हैं डिनोमिनेटर में साइन को चेंज करके ही तो काम करते हैं, ठीक है ना। इसको आप सिंगल आइडेंटिटी मान लो और इसको अलग मान लो, और यहाँ लिख सकते हो आप कॉस ए प्लस ऑफ साइन ए, ठीक है, प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी का फॉर्मूला मुझे लगाना है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट न्यूमरेटर को, तो मुझे क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए को फिर साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए साइन ए, कॉस को वन से करेंगे तो प्लस कॉस ए, ठीक है ना। पहले कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया ईच एलिमेंट्स को, उसके बाद माइनस साइन ए से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ साइन ए कॉस ए, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन ए, ठीक है। उसके बाद वन से भी करेंगे तो प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, नीचे क्या मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला। अब देख लो ऊपर में क्या क्या कटेगा, प्लस माइनस कट, ये भी कट, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर है, देखो यहाँ कॉस ए है यहाँ भी कॉस ए है, तो हो जाएगा टू कॉस ए, ठीक है ना। इन दोनों को निपटा दिया तो बचा क्या, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है प्लस वन, ये बचा, इसको खोल देते हैं पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू कॉस ए साइन ए, ये मिला। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो वन होता है ना, और यह माइनस वन है तो ये पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। वन देखो वन मुझे चाहिए नहीं आर एच एस में, तो वन को क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी मिल गया मुझे टू साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। तो माइनस ए प्लस चला गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए मुझे मिल गया, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए अपॉन टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। टू 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 सारा कैंसिल, सारा कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने ले लिया टू कॉस ए कॉमन, तो बचेगा क्या कॉस ए प्लस वन, नीचे क्या है टू कॉस ए साइन ए, टू कॉस ए टू कॉस ए कट हो गया। कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट आ गया। प्लस वन बाय साइन क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट आ गया ना। प्लीज मेक ए नोट, इजी था। ठीक है बच्चों, तो घबराना नहीं है, सारे समस्या का समाधान है, प्लीज आप लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। सिक्स पोर्शन कर लेते हैं। सिक्स में ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास रूट तो है नहीं राइट साइड में, यहां भी रेशनलाइज करके हम लोग काम चला लेंगे, मतलब वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए इंटू कर दो वन प्लस साइन ए, यहां भी वन प्लस साइन ए। सो बी केयरफुल, ये पूरा रूट सबके लिए है। ये क्या मिलेगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखो होल स्क्वायर है और रूट के अंदर है, वो तो बाहर आ गया, आपको क्या मिलेगा वन प्लस साइन ए बाहर, रूट के अंदर क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। रूट के अंदर स्क्वायर का टर्म है, मतलब रूट रूट गायब, रूट खत्म, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लो आप टर्म्स को, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए होता है, और ये क्या होता है टैन ए होता है, तो सेक ए प्लस टैन ए आ गया ना, वेरी वेरी इजी। नाउ सेवेंथ वाला करेंगे बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। सेवेंथ वाला इसे हटा देते हैं, साइन थीटा माइनस टू साइन, मुझे टैन चाहिए। ऊपर में आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे में आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो वन वाला टर्म तो राइट साइड में कहीं भी नहीं चाहिए, वन की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस तो टेन मिल गया मुझे, वन की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मुझे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा और या सिंगल स्क्वायर थीटा, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सिर्फ मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन के लिए भी है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये पूरा कट, आपके पास सिर्फ टैन थीटा बचेगा, वही तो मुझे लाना था और तो कुछ चाहिए नहीं, तो ईजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में, एट पार्ट हो गया ये, एट पार्ट है, यस एट पार्ट। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, मुझे वो चाहिए, सेवन का टर्म आ रहा है बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेशेंस फॉर रखना है और बेसिक्स फॉर्मूले पे ही ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, दो ही तीन फॉर्मूले हैं,
उसी में पूरा चैप्टर घूमता रहता है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर का टर्म है ना, होल स्क्वायर खोल देते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सी बड़ी बात है, खोल देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए, ठीक है, ये पहला ब्रैकेट मैंने खोल दिया, प्लस दूसरा वाला भी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू कॉस ए सेक ए, खोल दिया ना हमने। अब देख लो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकली तो है, ये कट के आपको वन मिलेगा, ये भी कट के आपको वन मिलेगा, क्योंकि कॉस और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें चाहिए क्या, उसको फोकस कर लेते हैं, वापस से आप पूरा चीज़ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू, यहाँ से टू बच गया, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए है प्लस सेक स्क्वायर ए है प्लस टू है, ठीक है, टू प्लस टू फोर हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन हो गया, टू प्लस टू फोर और एक हो गया फाइव, तो फाइव प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दो कि हमें चाहिए क्या, हमें सेक स्क्वायर तो चाहिए नहीं, कॉसेक स्क्वायर भी चाहिए नहीं, तो फॉर्मूला लेकिन है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को वन प्लस टैन स्क्वायर ए, तो फाइव प्लस वन सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, हो गया, मिल गया, यही तो चाहिए था मुझे, ठीक है ना, बिंदास आ गया। नाइन्थ, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, बिंदास मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो क्या मिलेगा, कॉसेक ए सेक ए माइनस कॉसेक ए कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए प्लस साइन ए कॉस ए। बढ़िया, कैमरा चेक टाइम, कैमरा में काफ़ी टाइम बचा है, ठीक है बच्चों, क्या करें, टैन और कॉट मुझे चाहिए, कुछ कट्टम कुट्टम करें क्या, बेसिक्स में ही काम कर लेते हैं। कॉसेक को क्या लिखूंगा, वन बाई साइन ए, सेक है वन बाई कॉस ए, माइनस वन बाय साइन, एक दो तीन चार टर्म में, थोड़ा सा और स्मार्ट काम कर लेते हैं, इन दोनों में कॉसेक कॉसेक कॉमन है, तो कॉसेक बाहर ले ले क्या, कॉसेक ले लो, तो बचे क्या क्या, सेक ए माइनस ऑफ कॉस ए, इन दोनों में साइन कॉमन है तो साइन बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, कॉस ए माइनस ऑफ सेक ए, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, निगेटिव का रिलेशन है, तो मैं क्या करूँगा, सेक ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, कॉस ए के माइनस ऑफ साइन ए, यही तो बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, सेक को लिख सकता हूँ वन बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, वन बाय साइन ए माइनस ऑफ साइन ए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, और वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, साइन ए साइन ए गया, कॉस कॉस गया, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा है मेरे पास, माइंड इट, ठीक है। अब देखो इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, अब इसको देखो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये क्या सेम चीज़ है या अलग है,
ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ साइन कॉस है वहाँ टैन कॉट है, लेकिन इसे भी साइन कॉस में ला के देखें, क्या पता यही आता हो। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो आप ये, क्योंकि फर्दर और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व। या फिर एक तरीका और है कि आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में यहाँ क्या है, वन है। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, वन की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करके देखते हैं, तो हमारा आंसर आएगा, आएगा तो जरूर, जाएगा कहाँ, साइन ए कॉस ए अपॉन वन, वन को मैं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कैमरा चेक टाइम, बंद हो जाता है ना एक्चुअली कैमरा, कॉस स्क्वायर ए। अब इस पूरे चीज को मैं डिनोमिनेटर में तो ला सकता हूँ ना, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये साइन खत्म, ये पूरा साइन खत्म, ये कॉस खत्म, ये पूरा कॉस खत्म, बचा क्या मेरे पास, साइन बाय कॉस यानी कि टैन ए, कॉस बाय साइन यानी कि कॉट ए, आ गया। ठीक है, तो क्या लाना है, क्या आया है, अगर आप रिलेट करने की कोशिश करते हो तो पूरा पूरा चीज हमें मिल जाता है, घबराने का नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखो पहले, ठीक है ना, वन प्लस टैन स्क्वायर अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर, कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप टैन स्क्वायर ले आओ, इसे भी सॉल्व करके आप टैन स्क्वायर ले आओ, तो काम हो गया हमारा। ठीक है ना, कर लेते हैं, एल एच एस, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, मैं पूरे चीज को कोशिश कर रहा हूँ टैन स्क्वायर मिल जाए मुझे, इसको भी सॉल्व करके मैं टैन स्क्वायर ही लाऊंगा, वन प्लस वन बाई टैन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन टैन स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, टैन स्क्वायर ए वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये पूरा कट गया और टैन स्क्वायर बच गया, यही तो मुझे लाना था बच्चों, इसे भी मैं टैन स्क्वायर ले आता हूँ, वन माइनस टैन ए अपॉन वन माइनस वन बाई टैन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो आप डिनोमिनेटर में, वन माइनस टैन ए अपॉन टैन ए माइनस वन अपॉन टैन ए। ठीक है ना, इस पूरे का स्क्वायर है, ये टैन है तो ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, वन माइनस टैन ए अपॉन टैन ए माइनस वन का होल स्क्वायर, बिंदास। अब ये दोनों कटेगा तो यहां माइनस वन बचेगा, दैट मीन्स माइनस टैन ए का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, पॉजिटिव टैन स्क्वायर है, हो गया, और नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं है बच्चों, आप चाहो तो कर सकते हो, अपनी शक्ति को पहचानो और बेसिक्स को पहचानो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन लाइफ, एनीथिंग मींस एनीथिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा फिनिश हो चुका है, मिलेंगे आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।